मुझे फोन करके कहते हैं अडानी का घोटाला रोज खोल रहे हो, कोई कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल दिए जाओगे। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बहादुरी से लड़ो, हिम्मत से लड़ो, जेल जाना पड़े जेल जाओ, लाठी खाना पड़े लाठी खाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ झुकना नहीं है। मुझे कल जेल भेजना चाहते हो आज भेज दें, आज भेजना चाहते हो अभी भेज दें, जब तक मोदी की सरकार है तब तक जेल में रखना चाहते हैं जेल में रखें। मैंने तो यहां तक कहा विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा दो, क्योंकि मुझे पता चला कि मोदी जी सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, बेचारे सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, इसको पकड़ा कि नहीं, उसको पकड़ा कि नहीं, यहां मुकदमा हुआ कि नहीं, उसका गर्दन दबाया कि नहीं, इस पे ईडी छोड़ी कि नहीं, उस पे सीबीआई छोड़ी कि नहीं, यही करते हैं। तो विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर कर दो, उसके बाद कम से कम 6-8 घंटे आराम से सो मोदी जी। ये रोज रोज के मीडिया भी भागता रहता है, अखबार वाले भी भागते रहते हैं, टीवी वाले भी भागते रहते हैं, देश के दूसरे विषयों पे चर्चा ही नहीं होती, आपके सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। शिक्षा के, भारत की सरकार में शिक्षा का बजट 2% है, स्वास्थ्य का बजट 2% है, ये हालत कर रखी है इस देश के इन लोगों ने, उसकी चर्चा ना हो, उसकी बात ना हो, इसलिए कभी इस पे सीबीआई, कभी इस पे ईडी, कभी इस पे सीबीआई, कभी अजब मजाक बना लिया भाई।